नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम दिल्ली से लगे हुए सोनीपत जिले में हैं, जहां पे किसानों ने जो आज का जो पूरा भारत बंद का कॉल दिया था, उसके तहत केएमपी जो हाईवे है, जिसे ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे भी जो कहते हैं, उसको बंद किया है। अगर हम आपको मैं मोहित को बता पाऊँ तो वो दिखा पाएंगे आपको नीचे कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधा, ये दिल्ली से करनाल होते हुए पंजाब को जाता है। किसानों ने ये रास्ता भी बंद करा दिया है। यहाँ पे अगर हम बात आपको थोड़ा बताएं इस पूरे बंद के बारे में, तो यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, यहाँ पे युवा हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, और सब यही उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि आज का भारत बंद वो उनके गुस्से को दिखाने के लिए है, और वो कितने मजबूत हुए हैं इन 10 महीनों में और कितनी बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उनके पीछे हुई है, आज का बंद बताएगा। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा, बंगाल के कई हिस्से, बिहार में कई जगह, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह बंद है। यहाँ पे हमने कुछ किसानों से बात की है ताकि हम जान और समझ पाएं कि उनके बंद से वो क्या शो करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। ये सिर्फ छोड़ के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो पहाड़ी राज्य है, बाकी सारे देश में आज बंद है, कहीं कम कहीं ज्यादा है, सारे देश में हो रहा है। शांतिपूर्ण तो बैठे हैं, लेकिन सरकार तो मान नहीं रही है। मानेगी आदमी तो कल मना कर छोड़ देंगे। सरकार के तो पापा डरे बेटा, पापा डरे। जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उसका जो राजनीतिक जो स्पेस है पंजाब में बिल्कुल खत्म हो गया। इससे तो कोई भी राजनीतिक दल मुकर नहीं सकता कि आज अगर बीजेपी का कोई भी लीडर पंजाब में जाएगा उसका कुछ भी नहीं है। यही बात अब सत्ता में होने के बाद हरियाणा में है, पश्चिम यूपी में जैसा नौजवानों ने, जैसा वहां पर महापंचायत हुई उसमें भी देखने को मिला, राजस्थान में जैसे 8 से ज़्यादा टोल प्लाजों पर बढ़े हैं, राजस्थान बढ़ रहा है। ये खूबसूरती है इस आंदोलन की भी जहाँ जहाँ पर ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है वहाँ पर ये सियासी जितनी भी राजनीतिक दल है उनकी ये सियासत है वो खत्म हो रही है। इस आंदोलन ने लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, अवेयरनेस आई है लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। जो ये था मोदी है तो मुमकिन है, तो वो टूट गया, वो भ्रम टूट गया जिस जो लोगों में था कि मोदी के खिलाफ कोई लड़ाई खड़ी नहीं हो सकती। एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, लड़ाई खड़ी होने तो छोटी बात नहीं है, सारे देश में आंदोलन खड़ा हो गया। अब क्या लगता है कि हल कैसे निकलेगा? हाँ जी, हल कैसे हल तो हम सरकार ने निकालना, यही तो अपना बैठे हैं, यही तो घर खाली करके आ गए हैं। जब तक मुकदा नहीं हम वापस नहीं आए, हम घर छोड़ कर आ गए। साल चलेगा, साल तो हो गया है, और कितना चलेगा बैठेंगे। हाँ, जिन्ना चर मुकदा नहीं है उन्ना चर जाएंगे नहीं। आंदोलन को सब बहुत कुछ बोला गया, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये सारी चीजें हैं। आप लोगों ने फिर भी हिम्मत बनाए रखी कि ठीक है, हमारी तो दूनी बन तैयारी है, जितने फालतू दिन होंगे उतनी हमारी हिम्मत दूनी बदलेगी। हमारी हिम्मत नहीं आ रही, हमने तो बहुत कुछ और सीख लिया, सिखा दिया ही मोदी ने। मारता कुछ पहले किसान बावड़े थे, बोले थे, इब को न रहे, इब तक नाके में लकड़ गए। चीजें समझ में आ रही, इब चीज सब का कानून समझ में आ गए, काले कानून क्यों है, सब गया MSP समझ में आ गया क्यों है, ना तो किसे नहीं बेरा था। हमने जो हमारा केस था वो पूरी तरह से सरकार के सामने रखा और ये साबित कर दिया जो सरकार ने कानून बनाए हैं वो गलत है, एंटी नेशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये देश के विरुद्ध है, तो ये उनको हमने एहसास भी करवा दिया। लेकिन सरकार राजहट में फंसी है। उम्मीद तो पहले दिन से हमने तो रखी है क्योंकि लोकतंत्र पर हमें यकीन है, पर उस लोकतंत्र को इस केंद्र की मोदी फांसीवादी सरमाएदार सरकार ने डिक्टेटरशिप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 महीने से हम इधर बैठे हैं, 11 दौर की मीटिंग के बाद उसने कोई कॉल की बात नहीं। हमने संयुक्त मोर्चे ने अपनी तरफ से पत्र भी लिखा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इसका हल करें। अलग अलग स्टेटों ने, अलग अलग मुल्कों ने इसमें कहा भी कि इसका हल निकाले, पर उसके बावजूद अभी जो विदेश में मोदी जी मीटिंग करने के आगे आए, फिर हमारे जो हवाई अड्डे हैं जो अमेरिका की फोर्सेस को चीन या अदर देशों के हमले के लिए बरतने, मतलब ये समझ तो स्पष्ट हमें जमीन पर आ रहा है कि एक्चुअल में जो मोदी सरकार है वो कॉर्पोरेट के पक्ष में अभी भी खड़ी है। वो घबराई हुई भी है, घबराई हुई है कि सारे देश के लोग बाहर निकल आए, तो
तो अगर वो नहीं बात करेंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा जो आंदोलन है, इस अवेयरनेस लेवल आगे बढ़ता जाएगा। जो जो अवेयरनेस लेवल आगे बढ़ेगा, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है उसको रिजेक्ट करते चले जाएंगे लोग। देखिए अब ये कानून किसानी से जुड़ा हुआ, जब हमारे जो आदमी है कहते हो आपके वे खेती करते हैं, जब वहाँ से हमें बचत ला के घर पे नहीं देंगे तो हम रसोई कैसे चलाएंगे? अब रसोई में क्या महंगानी हुआ है, दाल चीनी सिलेंडर क्या महंगानी होने बताओ? जब हमारे हाथ में पैसे ही नहीं आएंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे? जमींदारा करके खेत में हमारे आदमी मर जाएंगे, घर चला के हम मर जाएंगे, कहाँ से चलाएं? अब लोगों को समझ आ गई कि ये जो पॉलिटिक्स के व्यापारी हैं इनको बाहर निकालना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा और नई जागरूकता लानी पड़ेगी। लोग किसी लीडर को सवाल करें, इतनी हिम्मत हो उसमें सवाल करें तो तब वो ठीक होंगे। कानून बनाए जाते हैं जमाखोरी रोकने के लिए, जो ये सरकार है कॉर्पोरेट किसानों को जमाखोरी करने के लिए बोल रही। अभी सरसों का देखा ना हाल क्या हुआ, तेल का भी देखा था 200 रुपये लीटर। भिखारी जो मांगता है ना उसने भी तड़का लगा के खाना, मजदूर ने भी खाना, जो बड़े वो तो ले लेंगे। कोई बोलता मैं 200 रुपये लीटर ले लूँगा, अभी डीजल पेट्रोल कितनी महंगाई हो गई है, ये कहता मैं देश नहीं बिकने दूंगा, क्या रह गया है? यूपी से एक खबर आई है कि कल उन्होंने 25 रुपये गन्ने पे बढ़ाए हैं, क्या आपको बीजेपी में कोई एंग्जाइटी नजर आ रही है? बीजेपी को किसान की चिंता कब हुई होगा? कभी नहीं हुई। जो इवन इससे भी आगे ये जो इसका MSP नहीं उसकी FAP कहते हैं, वो जो FRP जो बढ़ाई है उसका भी जो नॉर्म्स हैं वो एज ओल्ड हैं, लेटेस्ट जरूरतों के मुताबिक उन पे कभी भी गौर नहीं किया गया। तो 25 या 20 रुपए में नहीं, वो तो सिर्फ शुगर मिल लॉबी जो है उनको खुश करने के लिए है कि हम कम रख रहे हैं, किसान आपके लिए गन्ना पैदा कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा लो। ये तो सारे जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी उसके नीचे लगे हुए हैं सारे। अब जैसे यूपी में कह रहे हैं कल से न्यूज वायरल हो रही है कि 35 रुपए बढ़ा दिए योगी, 25 रुपए बढ़ा दिए, 10 पहले बढ़ाए थे, 5 साल में 35 रुपए उन्होंने बढ़ा दिए, क्या हो जाएगा 35 रुपए से? ये बताओ लागत कितनी बढ़ा दी है, यूरिया कट्टा कहाँ गया हुआ है, DAP का कहाँ गया हुआ, पेट्रोल कहाँ पे गया हुआ, जहाँ कनेक्शन नहीं मिलते वहाँ डीजल से इंजन चलते हैं, क्या होगा उससे? ये बताओ, ये जो कानून है ना ये सब की समझ में आ चुके हैं कि इससे जमींदार भी मरेगा, हर तबके का इंसान मरेगा इससे, चाहे वो मजदूर हो, आड़ती हो, जमींदार हो, कुछ भी हो, आप जैसे लोग भी उसकी चपेट में आएंगे, ये सब के लिए हानिकारक है। तभी तो आप देखो ना, आप ये देखो कि कितना मतलब टेम्परेचर होगा, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर डटे हुए हैं तो क्या दर्द नहीं है उनके अंदर? पहली बार हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इतनी बड़ी सतह पे विरोध, वाशिंगटन में विरोध हुआ और न्यूयॉर्क में आपको एक बात पता नहीं, हर 26 सितंबर को वो साल में एक दिन पंजाबी मेला मनाते हैं, सारे पंजाबी इकट्ठे होते हैं, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी संख्या में पंजाबी रहते हैं, बल्कि कैनेडा कैलिफोर्निया से भी वहाँ उस मेले में जाते हैं। इस बार उन्होंने हमें ये ऑफर किया था कि हमसे लिस्ट ली, जो शहीद हुए हैं उन्होंने ऑफर किया था कि हम शहीदों को वो लिस्ट से बांट लेंगे, दो आदमी एक एक परिवार को देंगे, किसी को एक देंगे और सब परिवारों में हम आपको जाके 1-1 लाख रुपया जो शहीद हुए उनके घर पे देंगे, और वो मेला कैंसिल कर दिया आज, इसलिए कैंसिल कर दिया अमेरिका सरकार ने कि बहुत बड़ी सतह पे पंजाबियों ने इकट्ठे होकर UNO के सामने मुजाहरा किया। अब जो ये जमीन का भूमि अधिग्रहण का एक्ट चलाया है उसमें कहा कि 24 घंटे के अंदर कलेक्टर आपकी जमीन को अधिग्रहण कर सकता है, चाहे आपका कुछ भी सामान है खेत में आप उसको उठा नहीं सकते हो, क्यों इसी तरह मारोगे क्या जमींदार को? अब किसान बाबा नहीं रहा, किसान सब कुछ समझ गया, किसान की बेटियां पत्नियां बच्चे युवा पीढ़ी हर किसी का योगदान है इसमें बढ़ चढ़ कर, तो ऐसा ना समझे। और रही बात सरकार की, तो सरकार को जल्दी नहीं तो हमें भी जल्दी नहीं है, हम भी आ रहे हैं, चल रहे आंदोलन, क्या हमारे पास खाने के लिए नहीं, क्या ऐसे ही दाल चावल खाएंगे और मौज करेंगे रोड पे बैठेंगे, 2024 तक का इंतजार कर लेंगे? इस बात का हमें पता है कि इस आंदोलन को कैसे जिताना है, कैसे ये कानून रद्द होंगे, उसी स्तर पर हम लगातार चले हैं। बातचीत की कॉल आए ना आए ये तो नहीं पता, पर अगर लोकतंत्र है भारत में कम से कम, तो इस बड़े एक्शन के बाद थोड़ी तो शर्म केंद्र की सत्ता को करनी चाहिए और शर्म के बाद सदा जरूर कॉल देनी चाहिए। ये अखलाक की एक जिम्मेवारी बनती है इस केंद्र की सरकार की, अगर ये भी नहीं करती तो ये मानना पूरा मतलब कि हम हर एक नागरिक को पूरे भारत के 137 करोड़ लोगों को मानने में कोई अलग बात नहीं होगी कि ये लोकतांत्रिक नहीं रह गया, ये डिक्टेटरशिप है वो मोदी के नाम पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो हमारे मुल्क पर हो रही है।
27 रुपए में अगर हम सारा परिवार घर में शांति से बैठ जाने एक दिन के लिए और सब कुछ बंद कर दें, तो जो बिजली की फिटिंग होती ना उसमें जो इंडिकेटर होते हैं 27 रुपए की रीडिंग वो निकाल देंगे, जो पता भी नहीं चलेगा हमें कहाँ से खर्चा गया। और खर्चे तो छोड़ दो, आप क्या करेंगे 27 रुपए में? यही तो पूछ रहे हम सरकार से, अगर 2700 रुपए भी आमदनी होती तब भी खर्चा नहीं चलता, जहाँ महंगाई उन्होंने ला के छोड़ दी पिछले 7 सालों में। कांग्रेस के टाइम पे तो इतनी महंगाई नहीं थी, और रही बात बार बार में उठा देते कि कांग्रेस ने क्या क्या, कांग्रेस ने जो किया उसका हाल तो कांग्रेस भोग चुकी है, क्या मिला है? बीजेपी को इसीलिए तो लाए थे सरकार को कि अभी कुछ किसानों के हित में होगी, आम आदमी के हित में होगी, क्या कर दिया उन्होंने, तो हालत भी बदतर कर दी, वो उससे भी बदतर कर दी। 400 रुपए सिलेंडर था तभी कपड़े उतार के ट्रेनें लगते थे, हैं? अब क्यों नहीं? 60 रुपए पेट्रोल था तभी ये ट्रेनें गाड़ी रोकती। वो अमिताभ बच्चन साइकिल कहाँ है उसका, अक्षय कुमार का साइकिल कहाँ है, अनुपम खेर का कहाँ है साइकिल? अभी तो साले निकाल नहीं रहे, अभी निकालना चाहिए, किसानों के साथ आके खड़ा होना चाहिए। और जो ये बार बार में कहते हैं ना कि जो सिंह बॉर्डर पे लोग बैठे हैं उनको लोकल एरिया सपोर्ट नहीं कर रहा, हम लोकल एरिया के हैं, हम पिछले 10 महीने से इस आंदोलन में लगातार आ रहे हैं, बिल्कुल लोकल एरिया के, किसी भी लोकल एरिया को कहीं से भी किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो आज ये भारत बंद का ऐलान हुआ ना, इसमें ना हमने एम्बुलेंस को सुविधा दी है, आर्मी को सुविधा दी है, उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई आके फंस रहा है तो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि संयुक्त मोर्चे ने बहुत दिन पहले आह्वान कर दिया था कि 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा, और वैसे भी हम इमरजेंसी लोगों को जाने दे रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो गलत, ये गोदी मीडिया ये फैलाए नहीं कि ये भारत बंद की वजह से आम लोगों को या किसी और लोगों को कोई दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को भी, सब खुशहाल हैं और सब इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं। और जो भी आगे भी संयुक्त किसान मोर्चे की जो कॉल होगी उस पे हर तबके का लोग खरे उतरेंगे, बिल्कुल खरे उतरेंगे, जहाँ भी बुलाएंगे वहीं आएंगे, चाहे वो करनाल हो, सिरसा हो, हिसार हो, बॉर्डर पे हो, टिकरी बॉर्डर पे हो, गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ भी बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार, हम पिछले 10 महीने से इस आंदोलन में हैं। जितनी पॉलिटिकल हायरार्की है वो रिस्पॉन्सिबल है इस आंदोलन के लिए, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये कानून बना ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट लिस्ट है उसमें एग्रीकल्चर और मार्केटिंग दोनों दर्ज है, तो ये जो कानून बनाए गए ये फॉर ट्रेडिंग बनाए गए हैं, फॉर ट्रेडिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, लेकिन किसान तो ट्रेडिंग के लिए जाता ही नहीं, वो तो अपनी फसल मार्केट में बेचने जाता है। 12 नंबर पे एग्रीकल्चर दर्ज है और 28 नंबर पे मार्केटिंग दर्ज है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तभी तो सरकार की हिम्मत हुई, तो इसलिए दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एजिटेशन। अगर देखो पहले मान जाती तो हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सरकार ऐसी थी, ये भी ऐसी सरकार, वो अच्छी है जो किसानों के हित में काम करेगी, चाहे वो कोई भी हो। लड़ाई हमारी सरकार से नहीं, लड़ाई सरकार की जो गलत रणनीतियाँ ना उससे है, अगर वो अपनी रणनीतियाँ सुधार ले, करनी और कथनी में फर्क ना करें और तो सब कुछ अच्छा है। वो भाषण कुछ और देती हैं, काम कुछ और करती है, जमीनी स्तर पे काम अलग करती हैं और स्टेज पे चढ़ कर भाषण कुछ अलग देती हैं। पहले हम इतने छोटे छोटे ठेके में लेते थे देते थे, कोई कानून नहीं था, अभी क्यों कानून बना रहे उसके लिए? अभी मैं आपसे पहली ठेके में ले 40,000 में ले रहा हूँ, वो बो रहे फर्द अपनी दो, मैं पहले 40,000 आपको दिया, खेती किया, और जब पैसा आएगा तुम्हारे में जाएगा, आपकी मर्जी मुझे दो या ना दो, कोई नहीं लेगा। वो सारे ऐसे छोड़ छोड़ के भागेंगे, पहली फ्री हो जाएगी, ये अडानी बानी का पूरा कब्जा हो जाएगा। अभी तो 30-25 रुपए आटा दिख रहा है ना, बिक रहा गेहूं का, ये 150 रुपए किलो बिकेगा। अब तेल देख लिया ना अपने सरसों का, ऐसा ही होगा। जब 700 लोगों की शहीदी होगी है उसके बाद भी सरकार बिल्कुल मौन बैठी है, दो लफ्ज भी नहीं है उनके पास ऐसा कहने के लिए कि भाई ये बुरा हुआ है, बिल्कुल मौन बैठी है। तो क्या उम्मीद लगा रहे हो जनता से, क्या आगे उनको जनता सर पे बिठाएगी? नहीं, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर बचाना है डेमोक्रेसी को तो हर शहरी को वापस बाहर आना पड़ेगा, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना एक एक चीज़ छोड़ करके ये सारी जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको भी बर्बाद कर रहे हैं, उनकी अहमियत ख़त्म कर रहे हैं, और एक एक चीज़ करके देश की जो प्रॉपर्टी है PSUs हैं उनको बेचे जा रहे हैं। टोटल कॉरपोरेटाइजेशन देश में हो रही है, और भारत की जितनी आबादी है 130 करोड़ की, इसमें कॉरपोरेटाइजेशन इट्स डिजास्टर्स फॉर द नेशन। तो बीजेपी तो कह लीजिए कि आगे ना इसका तो पत्ता साफ हो गया, बीजेपी तो आएगी नहीं बिल्कुल।